बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन ब्रेड टोस्ट, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी। नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। चलें तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो हमें ब्रेड चाहिए, 6 पीस या 8 पीस जितने आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने 6 पीस लिए हैं। 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। उसके अलावा चॉप गाजर ली है मैंने 2 चमचे, चॉप प्याज ली है 2 चमचे, शिमला मिर्च ली है 2 चमचे, 2 चमचे मैंने सूजी ली है। उसके अलावा सूजी से बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें 1.5 चम्मच चाहिए, आप स्किप कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हसबे जायका नमक चाहिए 1 चम्मच, हमें काली मिर्चें चाहिए 1 चम्मच, हमें पीसा हुआ धनिया चाहिए 1 चम्मच, हमें कूटी हुई लाल मिर्चें चाहिए। आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही, मैंने स्किप कर दिया है। चलें तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो हम सब दें जी। तो ये गई शिमला मिर्चें बेसन में, प्याज आप देख लें कितनी फाइन चॉप है, गाजर, और हम सूजी डाल देंगे इसमें। अब हम मसाले डालेंगे, जी। तो बेसन लेने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बेसन को आप छान लीजिएगा, उससे इसमें लम्स नहीं पड़ते। अब इसको हसबे ज़रूरत पानी के साथ हम इसका पेस्ट बना लेंगे, जितना थिक हमें चाहिए होगा। जी तो देख लें इसकी जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। चलें तो अब हम इसको टोस्ट में डिप करते हैं जी। तो पैन में हमने ऑयल डाल लिया है और अब मैंने देखें इस तरह से प्लेट में स्लाइस रखा है और उसके ऊपर ये डाल दिया है, ना हाथ गंदे होंगे आपके ना कुछ। बैक साइड किया, 1 चम्मच हमने इस पे डाला और स्प्रेड कर दिया पूरे को इस पे, ये देखें इस तरह से बहुत अच्छे से इसमें लग चुका है ये। अब हमने इसको साइडों से भी करना है, ये देखें कितने अच्छे से हो रहा है ये। इसको हमने उठाया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक, और ये देखें बस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको डाल दिया ऑयल में। और अब जब इसका कलर चेंज हो जाएगा बैक साइड से, जब हम इसको टर्न कर लेंगे, कलर हमें ब्लैक नहीं चाहिए, गोल्डन ब्राउन टच पे चाहिए, और शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना हमें इसे। जी तो इसका कलर आ चुका है पीछे से, अब हम इसको टर्न कर रहे हैं, ये देखिए टर्न करके आपको हिलाना नहीं है, जब ये पकेगा ये खुद मूव होगा, अगर हम करेंगे तो बेसन नीचे चिपक जाएगा इसमें। कलर आप देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका जी। तो आप देखें ये बैक साइड से भी इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है, ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर आया है। बस अब हम इसी तरह से और भी फ्राई कर लेंगे शैलो फ्राई। जी तो आपके सामने है हमारे बेसन टोस्ट बिल्कुल रेडी हैं, देख सकते हैं आप इसका कलर कितना अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।